चाह रहा हूँ कि हमारे लुधियाना शहर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन हुई है उनके लिए जिम्मेवार कौन है? सबसे पहले हम लोग ही जिम्मेदार हैं। जब कोई कंस्ट्रक्शन होती है तो हम कुछ अपने पैसे बचाने के लिए लीगल काम नहीं करते, और उसके बाद जब गांधीनगर में एचडीबी कॉलेज की दीजिए दुकानें बनी तो उसके बाद धीरे धीरे करके जहाँ थोड़ी थोड़ी दुकानें बनने लगी, और सबसे पहले जो मार्केट बनी थी उस पर मैंने आरटीआई लगाई थी। 10-12-15 साल हो चुके होंगे, याद नहीं है। जहाँ पिप्पे का कारखाना होता था, सबसे पहले जो पिप्पे का कारखाना था गांधीनगर में, उसमें मार्केट बनी थी, तो उसके बारे में मैंने पूछा था ये कैसे बन रही है, इसका प्लानिंग क्या है, तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। आज 14-15 साल हो चुके हैं, उस समय भी कोई आरटीआई का जवाब नहीं दिया जाता था, उस समय कोई प्लानिंग से काम नहीं होता था। लेकिन आज भी कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट हैं जो कहते हैं कि जहाँ पर इलीगल बिल्डिंग बन रही है, ये हो रहा है, इनक्रोचमेंट हो रही है, तो ये सब कुछ हो रहा है, हर कोई जानता है, करने वाले भी हम लोग हैं, करवाने वाले भी हम लोग हैं। तो देखिए, हम आपको एक बिल्डिंग के बारे में बताता हूँ, जो मैं पहले आपको बताता हूँ, जो गांधीनगर, इसमें जहाँ पर खड़ा हूँ, जहाँ पर यही 2-4 दुकानें छोड़ के जहाँ पर पिप्पे का कारखाना था, वो सामने नुक्कड़ पर सबसे पहले मार्केट यही बनी थी यहाँ लुधियाना शहर में, और उसके बाद धीरे धीरे करके मार्केटें बनती रही, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सैकड़ों छोटी छोटी गलियों में मार्केटें बन गई। तो आइए हम एक दिखाते हैं, जो सबसे बड़ी मार्केट बनी है इस समय मेन रोड पर, उस पर हम आपको लेकर चलते हैं। और इस समय हम गांधीनगर में खड़े हैं। अभी हमने दिखाया कि सबसे पहले जो मार्केट बनी थी गांधीनगर में, तो वहाँ पर भी हमने आरटीआई लगाई थी, लेकिन उसका कोई हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला, वाजिब जवाब नहीं मिला। और उसके एक के बाद एक जहाँ मार्केट बनती रही और सभी मार्केट बन गई। आज तक तो कोई भी ऐसी मार्केट की नहीं है जो एक बार शुरू हो उसके बाद बंद हो जाए, क्योंकि हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, अफसर लोग हैं, या नेता लोग हैं, या जो बिजनेसमैन हैं, जब एक बार शुरुआत होती है किसी चीज़ की तो वो कभी ख़त्म नहीं होती। तो अभी हमने आपको दिखाया कि जहाँ पर जो गांधीनगर में सबसे पहले मार्केट बनी थी उस पर हमने आरटीआई भी लगाई, उसके नक्शे वगैरह भी चेक किया, बहुत कुछ किया, लेकिन कुछ नहीं बना। तो अभी हम देखें, जहाँ पर मैं इस समय खड़ा हूँ, जहाँ पर एक आरटीआई एक्टिविस्ट ने बहुत बोला था कि ये जो बिल्डिंग बन रही है ये इलीगल है, इसके यहाँ पार्किंग नहीं है, ये सड़क के ऊपर बनी हुई है, ना जाने कितने दोष उन्होंने लगाए थे, लेकिन अब बदस्तूर इस बिल्डिंग में काम जारी है और ये बिल्डिंग चलकर रहेगी। मैंने पहले भी एक बार वीडियो में बोला था कि जो एक बार शुरुआत हो जाती है हिंदुस्तान में बिल्डिंग की, तो वो बिल्डिंग बनकर रहती है, चाहे लीगल है चाहे इलीगल है। तो ये भी बिल्डिंग जो है बनकर रहेगी, चाहे जितने मर्जी आरटीआई एक्टिविस्ट चलाते रहें कि ये एमटीपी साथ मिला हो, या एटीपी साथ मिला हो, या इंस्पेक्टर साथ मिले हों, या नेता लोग साथ मिले हों, या एमएलए साथ मिले हुए हैं, कोई नहीं मिला, हम लोग ही सब मिले हुए हैं। क्योंकि हम पहले जितने भी लोग अवेयर नहीं हैं, हमारे को कोई जागरूकता नहीं है, जो भी हम काम कर रहे हैं हम अपने समाज के लिए नहीं करते, अपने लिए करते हैं। यही कारण है कि आज हम लोग जितने भी हैं हर तरफ से अनडेवलप हैं और हमारी कोई तरक्की नहीं है। तो जब तक हर आदमी नहीं सुधरेगा, क्योंकि आरटीआई एक्टिविस्ट ये कहें कि हमने आरटीआई लगाई थी, हमें जवाब नहीं मिला, हमको जवाब चाहिए था, लेकिन जवाब आपको क्या देंगे? जब भी कोई बिल्डिंग बनती है उस पर किसी न किसी बड़े अफसर का हाथ होता है, किसी बड़े एमएलए का हाथ होता है, किसी मंत्री का हाथ होता है, छोटे जो मुलाजिम होते हैं, एटीपी ले लो, एमटीपी ले लो, या फील्ड में जो काम करने वाले हैं, उनका कोई रोल नहीं होता है इसमें। ये भी जो काम होता है सब बड़े लेवल से होता है। तो जहाँ पर आज जो आरटीआई लगा रहे हैं कि शोर मचा रहे हैं कि सब मिले हुए हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं बनने वाला। आज से 10-15 साल पहले जो आरटीआई लगाई थी पिप्पे का जो कारखाना था, वो बनकर तैयार हुआ, उसके बाद छोटी छोटी गलियों में ना जाने कितनी मार्केट बनी और बनती चलेगी। और ये भी जो मैं अभी दिखा रहा हूँ, ये मेरे पीछे जो बिल्डिंग है शीशे की, ये भी बनकर रहेगी और जरूर चलेगी, इसको भी कोई रोकेगा नहीं। और देखिए, जो कांच का शीशा कभी इन पर गिर सकता है, बच्चों पर गिर सकता है, लेकिन इस पर NOC कौन सा लिया गया, कौन सा नहीं लिया गया, कुछ पता नहीं है। लेकिन जहाँ पर जितने भी हमारे नौजवान हैं, हमारे हिंदुस्तान के नौजवान हैं, उनके बारे में सोचना होगा, हमें अपने देश के लिए सोचना होगा, हमें समाज के लिए सोचना होगा, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी जहाँ पर जो भ्रष्टाचार खत्म होगा।